चंदना जी प्रचंडिया, जोरदार कतल ध्वनि सुन का सम्मान करें। जब तक वो यहां मंच तक पहुंच रहे हैं तब तक हम दूसरा नाम ले रहे हैं, और जो भी लोग बैठे हुए हैं थोड़ी सी जगह बनाते जाएं मंच तक आने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए तैयार रहे। सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन और सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन देहरादून तैयार रहेंगे, सीखता से पढ़ा रहे। स्तंभ के रूप में श्री सतीश चंद जी नजा एडवोकेट जो ललितपुर से हमारे बीच है, थोड़ा सीखता से आ जाए पास आज नाम और आप लोग लगातार करता ध्वनि से बंधुओं उदार मना दानदातारों का यह सम्मान यहां पर किया जा रहा है, और आप भी अनुमोदना के पुण्य से जुड़ सकते हैं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार चलना चाहिए। स्तंभ के रूप में श्री सतीश चंद जी नेजा एडवोकेट ललितपुर से आप सुभाष जी और सुनील जी के साथ में सनत जी जैन ललितपुर से गुणायतन के ट्रस्टी सम्मान करने के लिए जुड़ जाएंगे साथ में। आप साथ में खड़े हो दोनों जन। सूत्रधार के रूप में श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन दिल्ली से हमारे बीच हैं। सुरेंद्र कुमार जैन दिल्ली अगर यहां पर हो तो मंच पर आ जाए शीघ्रता से। जोरदार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ सम्मान करते जाए बंधु। सूत्रधार के रूप में श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, श्री वीर कुमार सुकुमार राजेश कुमार बाकलीवाल कोलकाता से अगर यहां पर उपस्थित हो तो पधारे। सूत्रधार के ही रूप में श्रीमती सुलोचना देवी पहाड़िया धर्मपत्नी स्वर्गीय नेमीचंद पहाड़िया गुवाहाटी आसाम से अगर यहां पर हो, जिनके भी हम नाम ले रहे हैं आप यहां पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचेंगे, कोई बात नहीं है, आगे तैयार रहेंगे, सम्मान के लिए तैयार रहेंगी। चंद्रकला जी पाटनी रांची और लता जी गंगवाल गया तैयार रहे सम्मान करने के लिए। तब तक आगे तैयार रहेंगे, आप अपने स्थान से उठकर के मंच तक पहुंचेंगे। सूत्रधार के रूप में श्री कैलाश कांताजी लोहारिया जयपुर से, श्री नेमी कुमार मुन्ना देवी छाबड़ा अतुल सुधा महावीर रश्मि अरुणा अनुराग अनंत आयुषी आयुध काव्या छाबड़ा जयपुर से, जिनके भी नाम ले रहे हैं अगर यहां उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचेंगे। श्री नेमी कुमार जी मुन्ना देवी जी छाबड़ा जो जयपुर राजस्थान से हैं और गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं, जोरदार कतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। सम्मान करने के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं सतीश जी मोदी पधारे, निर्मल जी शराफ सागर पधारेगा, निर्मल जी शराफ सागर हाँ आ जाओ बड़े बेटे, बेटे को भी तो सीखता करो। श्री प्रकाश संजी कुसुम जी जैन विशाल जूली विनीत सैमी निधि सक्षम जैन कोलकाता से गुणायतन सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, आ जाए शीघ्रता से आ जाए सामने आ जाए। एक मिनट श्रीमती सुलोचना देवी पहाड़िया धर्मपत्नी स्वर्गीय नेमी चंद जी पहाड़िया श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल श्री वीर कुमार सुकुमार राजेश कुमार बाकलीवाल कोलकाता से जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका सम्मान करें, गुणायतन के सूत्रधार। श्री प्रकाश चंद जी कुसुम जी जैन विशाल जूली विनीत सेमी निधि सक्षम जैन कोलकाता से पधारे, और आपका सम्मान करने के लिए सतीश जी और निर्मल जी पधारिएगा, आ जाए सिकता से। श्री प्रदीप कुमार जैन श्रीमती कल्पना जैन काव्य जैन प्रतीक जैन सिकोहाबाद बड़ौदा जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका सम्मान कर दें। स्वर्गीय सूरजमल जी नमक बालों की सुपौत्र श्री हेमराज जैन श्रीमती नीलम जैन पारसमल जी हाँ आप ले लो कोई बात नहीं है, दे दें आप इनको ही दे दें हाँ कोई बात नहीं है। स्वर्गीय सूरजमल जी नमक बालों की सुपौत्र हेमराज जैन श्रीमती नीलम जैन पारसमल जी पद्मा देवी जैन निभाई राजस्थान अगर यहां पर हो तो आ जाए शीघ्रता से। सम्मान करने के लिए पधारेंगे सुशील जी पहाड़िया जयपुर, अशोक जी काला पधारे कोलकाता सम्मान करने के लिए। अगले सूत्रधार के क्रम में श्रीमती कलीबाई जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाबचंद जी जैन महेश सुनीता आयुषी जय विजय अजय जैन सागर
उपस्थित हो तो आ जाए शीघ्रता से, हाँ पधारिएगा। श्रीमती कलीबाई जैन सम्मान करने के लिए शकुन दीदी, पधारिएगा। राजेश जी, श्वेता जी जैन, हाँ आ जाए सम्मान करने के लिए, सम्मान की इस कड़ी में। क्या नाम है? हाँ, श्रीमती कलीबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाबचंद जैन, महेश सुनीता, आयुषी, जय विजय, अजय जैन, सागर। आगे तैयार रहेंगे श्री पदमचंद जैन, ममता आनंद, रित सिंघई, अदिति, अभिनव, श्रेयांश, अंशिका, सिद्धार्थ जैन, जबलपुर, सूत्रधार के रूप में जो गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। इसके बाद निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती कुसुम जैन, वीरेंद्र कुमार जैन, दीप्ति, दीपक आर्यन, कांसल जैन, गुना से यदि उपस्थित हो तो मंच तक पहुंचेंगे। आ जाए, आ जाए। पदमचंद जैन, पदमचंद जैन हाँ आइएगा, सम्मान करेंगे। श्री पदमचंद जैन, ममता आनंद, रित सिंघई, अदिति, अभिनव, श्रेयांश, अंशिका, सिद्धार्थ जैन, लीजिएगा। आगे निर्माण मित्र के रूप में तैयार रहेंगे श्री विनोद जी सराफ, श्री निशांत, सुशांत सराफ, सागर। विनोद सराफ, निशांत, सुशांत सराफ, सागर से। सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं मंजू राकेश जी पाटनी, अजमेर, राजस्थान से। मंजू राकेश जी पाटनी शीघ्रता से आ जाएं, जो आज गुणायतन परिवार में सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। मुकेश जी किन्नौर पधारेंगे सम्मान करने के लिए, मुकेश जी किन्नौर और मंजू राकेश जी जैन सम्मान करने के लिए पधारें शीघ्रता से। हाँ चलेगा, जब तक निर्माण मित्र का सम्मान हो रहा है तब तक हम शेष नामों की घोषणा कर रहे हैं। निर्माण निधि से जो लोग आज जुड़े हुए हैं, जोरदार कर्तव्य से बंधुओं, जो भी लोग यह कार्यक्रम लाइव बैठ करके देख रहे हैं या जो भी यहां पर भी निर्माण निधि से जुड़े हुए हैं, आज चूंकि समय कम है हम उनके निर्माण निधि के नामों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं, सूची बहुत लंबी है। और जो लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कल शाम के कार्यक्रम में आपके नामों की घोषणा की जाएगी। जिन्होंने गुणायतन में स्वर्णदान की घोषणा की है, संगीता वी गब्बारे अकोला महाराष्ट्र ने आज 4.41 ग्राम स्वर्णदान देने की घोषणा की है, जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अशोक सुषमा सिंघई खुरई से, जो गुणायतन के गुणायतन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आज स्वर्णदान के रूप में 51.85 ग्राम स्वर्णदान की घोषणा की, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आ जाए मानसिक के सी चरणों में, एक बार और आशीर्वाद ले लें। श्री मगन लाल जी जैन, श्रीमती कौशल जैन कटनी ने अपनी गुल्लक गुणायतन के लिए दान स्वरूप दी है, स्वर्णदान, सोने की अंगूठी एक, राजेश कुमार, सुभाष कुमार जी जैन, आरोन गुणा से, और विनीत आशी जैन स्वर्णदान 5 ग्राम स्वर्णदान दिया है। बंधु हम सभी को मालूम है आने वाले कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर सिद्ध भूमि पर, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना संपन्न होने के लिए जा रही है, और उसके लिए लगातार मंडल के पुण्यार्जुनों के नाम यहां पर आ रहे हैं। आपसे हम बतला दें, मात्र 4-5 आगे क्या 4-5 नाम ही उस मंडल के लिए शेष रह गए हैं। अभी जो नाम आए हुए हैं नए नाम, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। श्री मुकेश रंगलाल जी, श्रीमती हेमलता जैन सपरिवार अहमदाबाद से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और मुंबई से श्री प्रमोद सुमन जी भारल वासी नई बंबई, स्वाति जी, साकार जी, सिया जी जैन मामडिया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी गुप्ता मुंबई से, गुणायतन के परम संरक्षक हैं। इन्होंने भी एक मंडल के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक और सम्मान जो शेष रह गया था, श्रीमती सुशीला देवी जी बाकलीवाल पधारे, सुशीला देवी जी बाकलीवाल, श्री वीर कुमार सुकुमार, राजेश कुमार बाकलीवाल कोलकाता से हैं, गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अरे सम्मान हो चुका क्या? हाँ कोई बात नहीं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु सभी के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि से। और आइएगा, हम आप
के बीच एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अच्छा, एक घोषणा जो निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़े हैं, मनीष नायक जी मुंबई से गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं। बंधु, महाराज श्री ने आपसे उन महान व्यक्तित्व का परिचय तो करा ही दिया है, फिर भी हम उनको गुरुवर के चरणों में यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे बीच विराजित हैं एन के जैन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बिमला जी जैन। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उनको इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं, आ जाएं दोनों जन, आ जाएं साथ में ही, आ जाएं यहीं पर आ जाएं, और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित करते हैं एमपी अजमेरा साहब रांची से हमारे बीच हैं, विधि सलाहकार गुणायतन और निर्देशक सेवायतन। हाँ, और भी हैं लेकिन आप पधारे। हाँ, आईएएस अधिकारी हैं, और साथ में सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, चंद्रकला जी पाटनी श्रीमती बिमला जी का सम्मान करने के लिए, और लता जी गंगवाल गया गुणायतन मंत्री पधारी। आपकी करतल ध्वनि लगातार चलना चाहिए बंधु। हाँ, सुनील जी सीएफओ वहां पधारे, साथ में सम्मान की श्रृंखला से जुड़िएगा। आपकी बस इतनी सी ताकत, ये करतल ध्वनि लगातार चलना चाहिए, समाज के गौरव हैं, इतने महान तप पद पर वहां पर पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा आप लोग सामने हो जाएं, सामने कर लें उनको। सुभाष जी ऐसे कर लो, ऐसे कर लें सामने। बस इतनी सी आवाज। हाँ, ये महान व्यक्तित्व के अभिनंदन का कार्य चल रहा है, और आइएगा। हम आमंत्रित कर रहे हैं सीधे सीधे बिना किसी बीच के कोई भी अंतराल न लेते हुए एन के जैन साहब, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, वे अपनी बात, एन के जैन साहब वे अपनी बात आपके बीच में यहां रख रहे हैं, और इसके बाद तैयार रहेंगे एमपी अजमेरा साहब रांची। हाँ, कोई बात नहीं है। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी त्यागी वृत्ति और महाराज श्री के चरणों में भी नमोस्तु। सभी धर्मावलंबी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। कहते हैं कि जब पुण्य जन्म का उदय होता है और भाग्य में होता है तो गुरुदेव के दर्शन होते हैं। करीब 8 वर्ष पश्चात गुरुदेव के दर्शन हुए, ये मेरा सौभाग्य है। जब गुरुदेव का चतुर्मास जयपुर में था और चतुर्मास के दौरान ही राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश थे सुनील जी अंबुवानी, उन्होंने एक फैसला दे दिया कि संलेखना आत्महत्या है। और मैंने अपने जीवन में ऐसी एकता जैन समाज में पहले कभी नहीं देखी। क्या दिगंबर समाज, क्या श्वेतांबर समाज, क्या तेरापंथी, क्या बीसपंथी, क्या मंदिर मार्गी, क्या स्थानकवासी, और कितने ही फिरके। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म में फिरके हैं, मुस्लिम धर्म में बेहतर फिरके हैं, ईसाई धर्म में कैथोलिक प्रोटेस्टेंट एक दूसरे के नहीं बनती, सिया सुन्नी शैव वैष्णव, यानी ऐसा दुनिया का कोई धर्म नहीं है जिसमें फिरका न हो। यह भी समाज और धर्म के लिए एक सतत चली आने वाली परिपाटी है। तो मैं कहूंगा कि गुरुदेव आपने ही
गोविंद को बताया है। यदि गुरु नहीं हो तो हम कैसे जानेंगे कि ईश्वर क्या है? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, आप सब लोग जानते हैं। तो गोविंद के दर्शन करवाने वाले महाप्रभु आप हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के बीच में मैं हूं। गुरुदेव से दिन में चर्चा हुई और गुरुदेव का आदेश सिरोधारी है कि मैं अल्पसंख्यक के बारे में कुछ बताऊं। वैसे बताने को तो बहुत कुछ है, और आप लोग भी सब जानते हैं कि जैन समाज किसी भी दृष्टि से पिछड़ा नहीं है, न शिक्षा में, न अर्थ में, न संस्कृति में, और न अन्य किसी भी प्रकार से। इस भारतवर्ष की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान जैन समाज का है। करीब करीब 1/6 हिस्सा केवल इनकम टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में और टैक्स के रूप में जैन धर्मावलंबी भारत सरकार को देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो आय करता है, आमदनी करता है, कमाई करता है, उसे दो प्रकार से देना होता है, एक फोर्सफुल, एक वॉलेंटरी, स्वैच्छिक, और देना ही होगा, हैव टू डू। तो गवर्नमेंट ने तो प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है आपसे लेने की, 18% से 28% तक जीएसटी, और किस किस पे जीएसटी उस पर हम ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। इनकम टैक्स 30% तक इनकम टैक्स, और फिर उस पे 4% शेष, ये देना ही होगा। परंतु इस प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें हवा दी, पर्यावरण दिए, पेड़ पौधे दिए, पानी दिया, और हमसे क्या लिया? कुछ नहीं। तो हमने इसको क्या दिया? अभी एक बंधु ने सवाल किया था, सीधा सा उसका जवाब है, खुद का निरीक्षण करेंगे बहुत सुखी रहेंगे, दूसरे का निरीक्षण करेंगे दुखी दुख रहेगा। आज के इस बहुत ही पवित्र दिन के लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और जो 1947 से पहले के लोग हैं वो जानते हैं, उन्होंने देखा है, और जो बाद के लोग हैं उन्होंने इतिहास पढ़ा होगा, और यदि इतिहास नहीं पढ़ा तो फिर इसमें कोई दूसरे की गलती नहीं है, हमारी है। इस देश का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को धर्म के आधार पर हुआ है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना कितना दुखदाई होता है, ये उन सिंधियों से पूछें, बिलोचियों से पूछें, उन पंजाबियों से पूछें जिनका सब कुछ छिन गया, घर बार छिन गए, किस स्थिति में वो इंडिया में आए और किस स्थिति में पाकिस्तान गए। ऐसा नहीं है कि हम ही ने दुख झेला, उन्होंने भी झेला है। तो त्रासदी है, और धर्म के आधार पर यदि बंटवारा होता है तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। हमने दास्ता भी देखी है, और आज हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र कब सफल होगा? जब आप सोए हुए नागरिक नहीं हो। महात्मा गांधी ने कहा है, सोए हुए नागरिकों की जरूरत नहीं है, जागरूक नागरिकों की जरूरत है लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। और ये गुरुतर भार लोकतंत्र को बचाने का हम सब पर है, किसी एक पर नहीं है। तो आजादी के बाद भारत का संविधान बना। आप जानते हैं संविधान क्या है? यह संविधान। तो प्रश्न मंच पर मेरा सबसे पहला प्रश्न आचार्य श्री से है, आज जवाब देने की जरूरत नहीं, कभी बाद में आप दे देना, कि क्या हमारा ये संविधान है? सम यानी बराबर, विधान यानी कानून, क्या बराबर का कानून है देश में?
नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने तो यह कहा कि हमारा देश धार्मिक आधार पर पाकिस्तान है, पर हमने कोई धर्म के आधार पर देश स्थापित नहीं किया। हमने कहा हमारा देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, परंतु धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह नहीं है कि हम कोई धर्म को ही नहीं मानेंगे। धर्म को मानेंगे, जैन होने पर मुझे गर्व है, हो सकता है सामने वाले को ईसाई पर गर्व हो, परंतु वास्तविकता है कि जैन होने का हमें सबको गर्व करना चाहिए। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, हमारा सब समय बहुत कम है, मुझे बोलना अल्पसंख्यक पर है, पर कभी कभार मौका मिलता है। एक मैक्स मूलर प्रकांड विद्वान हुए और मैक्स मूलर ने बहुत गहन अध्ययन किया, 13 वर्ष तक दुनिया के तमाम ग्रंथों का अध्ययन किया, ऋषि मुनियों की दिनचर्या का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और चुपचाप घर बैठ गए, कुछ नहीं कहा। लोगों ने उनसे पूछा कि साहब आपने इतना तपस्या की है, 13 वर्ष तक अध्ययन किया है, तो कुछ बताइए तो सही। कि नहीं भाई, सब धर्म अच्छे हैं, किसी के लिए कुछ कहना गलत बात है, क्योंकि सलमान रशदी ने थोड़ा सा कुछ आयतों के लिए कुछ कह दिया, उसका फरमान जारी हो गया, तो धर्म के लिए कोई भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ, हम हैं सहिष्णु हैं, हमारे धर्म के लिए कोई कुछ भी कह दे कि महाराज नहाते हैं कि नहीं नहाते, महाराज नंगे क्यों रहते हैं, अदालत में मुकदमा भी कर दो, कुछ भी कर दो, हम सहिष्णु हैं, सहनशील हैं, संयमी हैं, अहिंसक हैं, पर फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। आप लोग ताज्जुब करेंगे, ये तक हमारे देश में हुआ है कि महाराज श्री पिकॉक यानी मोर को मरवा करके अपनी पीसी बनाते हैं, और ये पार्लियामेंट में भाषण हुए, बैन लग गया। तो हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं कि यदि अशांति हो गई तो कुछ लोगों को बुलाया, और बुलाया किसको? नेताओं को, शांति समिति की मीटिंग, शांति स्थापित। अरे भाई, अगर शांति स्थापित करना है तो अशांति मत करो। अभी अभियान चल रहा है गंगा की सफाई, यमुना की सफाई, अरे गंगा को गंदा मत करो, यमुना को गंदा मत करो, पानी को गंदा मत करो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाढ़ आएगी, बरसात आएगी, अपने आप स्वच्छ हो जाएगी, पर जब तक आप गंदा करना नहीं छोड़ेंगे तब तक गंगा साफ नहीं होगी, तब तक यमुना साफ नहीं होगी। हम जंगलों को बचाने की बात करते हैं, अरे जंगलों को बचाने की जरूरत नहीं है, यह सतत प्रक्रिया है, उसके कंदमूल फल जानवर खाते हैं और वो जानवर वापस उनको वहीं जंगल में छोड़ देते हैं और पेड़ उगते रहते हैं। आप पेड़ों को काटना बंद कर दो, जंगल अपने आप उग जाएंगे। बहुत अधिक मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भारत का संविधान लागू हुआ तब इसमें एक आर्टिकल रखा गया, छोटा सा आर्टिकल 31 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 30 सब क्लोज 1 में ये चीज रखी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि इस भारतवर्ष के अंदर जो धर्म है, धर्मावलंबी हैं, वो धर्म गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, या बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों को आत्मसात कर लें, धर्मांतरण करा लें, उनको आत्मसात न करें, इसके लिए संविधान में प्रावधान रखा गया। किसी भी कारण से सही, परंतु देश में 5 धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किए गए समय समय पर, जिसमें सबसे पहले मुस्लिम, हमने मुस्लिमों को प्रोटेक्शन दिया। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा गया कि आप यहाँ रहिए, अपने मस्जिदों को भी रखिए, आप नमाज भी पढ़िए, हम जो देश की स्थापना कर रहे हैं सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, और वो यहाँ रहे, आज भी आराम से रह रहे हैं, हमने किसी को भगाया नहीं, आराम से गए, वो अपने देश पाकिस्तान चले गए होंगे, पर हमने किसी को नहीं भगाया, हमने उनको प्रश्रय दिया। ईसाई, ईसाई हिंदुस्तान में नहीं थे, अंग्रेजों के साथ ईसाई भी आए, और आज हमें कहते हुए गर्व भी होता है और ताज्जुब भी होता है, और हमें सीख भी मिलती है कि ईसाइयों ने छोटे छोटे गांवों में जाकर के और अपने स्कूलों की स्थापना की है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, एडमिशन लेने के लिए लाखों करोड़ों रुपए, खैर करोड़ों तो मैं नहीं कहूंगा, पर लाखों रुपए अगर कैपिटेशन फीस की आप देंगे तो आपको उनमें एडमिशन मिलेगा। ये ईसाइयों के आज भी हमारे यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं, और छोटे छोटे गाँव में, आप केरल में चले जाइए, गाँव गाँव में हमने सबसे ज्यादा माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट पूरे हिंदुस्तान में केरला को दिए हैं,
100% लिटरेसी है, कोई भी अशिक्षित नहीं है केरला में। और छोटा सा, मैं केरला खूब घुमा हुआ हूं, कोची से लेके त्रिवेंद्रम तक आप जाएंगे केरल खत्म। राजस्थान के जैसलमेर जिले से छोटा है केरल। तो केरल की स्थिति है, सबसे पहले तो मैं जो देश में कानून बनाया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, यानी माइनॉरिटी का क्या फायदा, बस एकमात्र फायदा कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस के खोल सकते हैं। और तीन शर्तें हैं, एस्टेब्लिश आप खुद करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में होगा, और प्राइमरीली फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी होगा। तो सबसे पहले तो मैं महाराज श्री को वो कानून की पुस्तक, बहुत छोटी सी है परंतु गुड है, वो भेंट करना चाहूंगा। ये है 2008 का एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, जिससे पूरा हिंदुस्तान के जितने भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और ये सुनकर के हमें ताज्जुब होगा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इतना बड़ा योगदान है कि अगर ये बंद हो गए तो शिक्षा डगमगा जाएगी। इतना बड़ा फायदा इस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का है कि एक सिंगल माइनॉरिटी का पर्सन, चाहे वो जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, अकेला आदमी यूनिवर्सिटी खोल सकता है। न केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बल्कि एक यूनिवर्सिटी खोलने का उसको वैधानिक अधिकार प्राप्त है, मूलभूत अधिकार प्राप्त है। और ये ऐसा अधिकार है, मूलभूत अधिकार, जिसको कर्टेल नहीं किया जा सकता। अगर भारत के संविधान में कोई बदलाव भी करना चाहे, इस प्रावधान को हटाना भी चाहे, तो नहीं हटा सकते। हाँ, पार्लियामेंट को 368 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट का अधिकार है, और अब तक बहुत अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट हुए हैं, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपके जो मूलभूत अधिकार हैं, उन अधिकारों को कोई कर्टेल नहीं कर सकता, उन पर कोई कानून नहीं बना सकता। और मान लो बना भी दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे कैसे, दोनों पार्लियामेंट के जो सदन है, अपर हाउस और लोअर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा, 2/3 मेजोरिटी से उसमें पास कराना होगा। फिर राज्य की विधानसभाओं में भी 2/3 में पास कराना होगा। ये पास हो जाएगा तो फिर कोई भी हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज, एनी, देश में 950 जजेज हैं, कोई भी जज इसको अल्ट्रा वायरस घोषित कर सकता है, यानी संविधान के विरुद्ध कोई कानून भी नहीं बनाया जा सकता, तो इसे अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो इतना बड़ा अधिकार आपको मिला हुआ है, और क्या क्या इसके फायदे हैं, मैं थोड़ा सा आपको गिनाऊंगा बस, क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाएगा। क्या क्या अधिकार दिए हुए हैं, मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट इस पे खर्च करती है, पर या तो हमारी समझदारी नहीं है। कई बार जब हम विद्वानों से भी मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों से भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि जैन धर्म महावीर स्वामी से चालू हुआ है। अरे भाई, ये कहां हम पहुंच गए, क्या हमारी शिक्षा है, हम जैन धर्म के बारे में नहीं जानते। बहुत से लोग कहते हैं महावीर स्वामी से जैन धर्म चालू हुआ और गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म चालू हुआ, कहां से थ्योरी आ गई, क्योंकि इससे पहले वो जानते ही नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर हैं, आदि अनादि काल से जैन धर्म चला आ रहा है, और 24 तीर्थंकर से जैन धर्म। तो जो शिक्षा है, वो शिक्षा हम अपने, अगर शैक्षणिक संस्थान खोलते हैं तो हम अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे जैन समाज के हैं, तो हम बाहर बोर्ड लगा सकते हैं कि जैन जो अगर विद्यार्थी है तो हम उससे 500 रुपए लेंगे, और अदर देन जो जैन है तो हम उससे 50,000 रुपए लेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में, और हमें संविधान ने अधिकार दिया है। इसलिए हमें हमारे संस्कृति को बचाए रखने के लिए, यदि हम में संस्कार है, अभी महाराज श्री ने भी कहा था, संस्कार से ही संस्कृति बचेगी। यदि हम अपने संस्कार ही भूल गए, मूलभूत जो हमारे तत्व हैं जैन धर्म के, वो ही भूल गए, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। तो मैंने मैक्स मूलर का जो उदाहरण दिया था, जब उसको बहुत ज्यादा बाध्य किया गया, तो उसने कहा कि यदि विश्व में धर्मों में यदि कोई श्रेष्ठ धर्म है तो वो जैन धर्म है। और उन्होंने बताया कि जियो और जीने दो, सत्य और अहिंसा,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, जप, ये जो सिद्धांत हैं, ये अहिंसा, अगर अहिंसा को ही अपना लें, आज विश्व पूरा बारूद के ढेर पर खड़ा है। तालिबान से जो स्थिति है, कोई किसी से छुपी हुई नहीं है कि क्या स्थिति है अफगानिस्तान की, हमारा पड़ोसी देश है, पर आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। तो इस विश्व को बारूद के ढेर पर जो खड़ा है, उसे बचाने के लिए जैन धर्म के सिद्धांत ही काम आएंगे। आप झूठ को कितना ही प्रचारित कर लें, फिर भी सत्य सत्य ही रहेगा। फिर मैक्स मूलर से पूछा कि भाई ग्रंथों में श्रेष्ठ कौन से हैं। भाई बाइबिल भी कोई कम नहीं है, कुरान भी कम नहीं है, कुरान भी अच्छी बातें सिखाती है, गुरु ग्रंथ साहब भी कोई कम नहीं है, कोई भी धर्म का जो ग्रंथ है वो खराब हो ही नहीं सकता। परंतु जो कुछ जिनवाणी में है, जो समय सार है, जो कुंद कुंद है, इसका कोई सानी नहीं है। तीसरा सवाल उनसे पूछा कि ऋषि मुनियों में, साधु संतों में श्रेष्ठ कौन है। बहुत विचार किया कि भाई मुझसे मत पूछो, कुछ नाराज हो जाएंगे लोग, कि साहब आप बताइए तो सही, आपने गहन अध्ययन किया है। उन्होंने कहा भाई पोप जब चलता है तो जमीन हिलने लगती है, रोम हिलने लगता है, पोप, पादरी, मुल्ला, मौलवी, साधु संत, नागा साधु जटाएं लेकर के 15 आदमी साथ चलते हैं, तो साधुओं का कोई साने नहीं है, सब साधु बहुत ही। परंतु यदि त्याग और तपस्या की कोई मूर्ति है, तप जप करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, कुछ भी अपने पास न रखने वाले कोई हैं, तो वो जैन संत हैं। तो अंग्रेज विद्वान का ये कहना है, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम जैन हैं। भले ही हम जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन कुछ कुछ करते हों, परिग्रह की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा हमारी है, सिद्धांत हमारा परिग्रह का है, परंतु लंबी उस बात में नहीं जाऊंगा मैं। सिर्फ जो आपको जैन माइनॉरिटी के लिए फायदे हैं वो मैं बताऊंगा। एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा कैसे लिया जाए, एमएससी जिसको बोलते हैं, एमएससी जो लेता है माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट, वो ही माइनॉरिटी के जो बेनिफिट्स हैं उन्हें लेने का हकदार होता है। यदि आप कोई स्कूल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, आपकी पाठशाला चल रही है, आपका जैन गुरुकुल चल रहा है, और उसने माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं लिया है, तो फिर उसे माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन नहीं माना जाएगा। आपको उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना होगा, और सर्टिफिकेट दोनों प्रकार से ले सकते हैं। या तो आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं उस स्टेट में एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर होता है, वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर आपको एमएससी का सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकता है। यदि वहां से आप नहीं लेना चाहें तो आपको एक एप्लीकेशन सेक्शन 10 जो मैंने महाराज को किताब दी है, सेक्शन 10 उसमें बना हुआ है, एक नो ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन आपको लगानी होगी स्टेट कॉम्पिटेंट ऑफिसर के यहाँ। वो सिर्फ इसलिए कि स्टेट को यह मालूम होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे हैं। 90 डेज के अंदर, 90 दिन में यदि स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपके एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर नहीं करती है, और वो सिटिंग ओवर द टाइट ऑन दैट योर एप्लीकेशन, तो आप डायरेक्ट हमारे कमीशन के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि साहब हमने सेक्शन 10 एनसीएमईआई के अंतर्गत एप्लीकेशन लगाई थी स्टेट में, स्टेट ने हमें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं दिया और हमारी एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर भी पास नहीं किया, तो हमारे यहाँ स्ट्रेट वे आकर के आप, एक छोटा सा फार्म है वो भी मैं महाराज श्री को दूंगा, वो भर करके आप पेश कर दें, और आने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप जाकर के उसे भेज देंगे तो भी मान लिया जाएगा। शर्त यह है कि आपको एक यूनिक आईडी लेनी पड़ेगी पोर्टल दर्पण पे नीति आयोग से, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, घर घर में स्कूल और कॉलेज और मदरसे और न जाने क्या क्या खुल रहे हैं, तो चेक एंड बैन करने के लिए ये प्रोविजन रखा गया है। तो आप हमारे यहाँ से भी माइनॉरिटी का स्टेटस ले लेते, माइनॉरिटी का स्टेटस लेने के बाद फिर फायदे ही फायदे हैं, नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सबसे बड़ा फायदा है कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होता। आज देश में ये कानून है 2009 के बाद से कि प्रत्येक स्कूल को, कॉलेज को 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना पड़ता है, अशिक्षित को शिक्षित करना प्रत्येक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का वैधानिक दायित्व है, और उस दायित्व का निर्वहन उसको करना ही होता है। परंतु
माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर वो प्रावधान भी लागू नहीं होता, एसटी एससी एक्ट लागू नहीं होता, टीचिंग नॉन टीचिंग सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है, जो गवर्नमेंट सैंक्शन करती है स्ट्रेंथ। अभी मैं आज स्कूल में गया था, यहाँ तारा बहन स्कूल चलाती है, बड़ा उनकी प्रॉब्लम है, हमारे साथ अजमेरा जी भी थे। तो सैंक्शन आपको स्ट्रेंथ गवर्नमेंट से करानी होगी, तब आपको 95% पैसा डायरेक्ट आपके खाते में, इंस्टीट्यूशन के खाते में गवर्नमेंट से जमा हो जाएगा। हर महीने आपको 5% जो भी खर्चा होता है वो जमा कराना होगा, 95% ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है बैंक खाते में। तो इतना बड़ा फायदा, फिर एसटी एससी एक्ट इस पर लागू नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में है, टीचर, हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, माली, स्वीपर, इसकी नियुक्ति आप करेंगे, इस पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। रही बात सहायता की, तो जो प्राइम मिनिस्टर 15-पॉइंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत एक इक्विटेबल अवेलेबिलिटी यानी आईसीडीएस सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आप अपने बच्चों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ला करके और अपनी धार्मिक जो संस्कार हैं वो दे सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं, आप अपनी प्रेयर करा सकते हैं। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो रही है, कुछ साल डेढ़ साल क्योंकि कोविड पीरियड रहा इसलिए वो डिले हो गया, पर नई एजुकेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की, अब क्या है, बहुत सी समस्याएं संविधान के अंतर्गत आती है। शिक्षा आज की तारीख में हमारे यहाँ संविधान में 3 सूचियां हैं, एक सूची है केंद्र की सूची, एक है राज्य की सूची और एक है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये सब्जेक्ट जो शिक्षा है ये स्टेट का सब्जेक्ट है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, हम भारत की आजादी से लेकर यहां पहुंचे परंतु लॉर्ड मेकाले को पीछे नहीं छोड़ पाए। लॉर्ड मेकाले ने ये कहा था कि हिंदुस्तान, आप अपने पास 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में पूरी बात कर लो, खत्म हो जाए। बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको मूल बात कर लो, इंप्रूवमेंट असेस टू दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप रिसोर्स ऑफ टीचिंग, जो आपके बेस्ट टीचर हैं उन्हें आप भर्ती कर सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो परीक्षा लेकर के और हम टीचर भर्ती करते हैं, जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, आप देखो पहले के जमाने में जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता था उसे बिना किसी इंटरव्यू के नौकरी पे लग दिया जाता था और पहला इंटेलिजेंट पर्सन टीचर हुआ करता था। आज टीचर का जब कहीं कोई नौकरी नहीं मिलती तो चलो अध्यापक बन जाते हैं, ये हमें छोड़ना पड़ेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पुअर, ये गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी अलग अलग स्कीमें बना रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीमें बना रखी है, जैसे नई रोशनी, पढ़ो परदेश, अगर कोई बच्चा परदेश पढ़ने जाना चाहता है तो गवर्नमेंट उसके लिए देती है। नई रोशनी में हम बच्चियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी उनको शिक्षित करते हैं। फिर रोजगार के साधन है, आपके लिए अलग से एक बैंक बनी हुई है, वो बैंक से आप लोन ले सकते हैं, 6% का लोन दिया जाता है, 6% में 2.5% गवर्नमेंट देती है, उसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है, व्यापारियों को भी लोन मिलता है और विद्यार्थियों को वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं। गवर्नमेंट ने यह नियम बना रखा है कि प्रत्येक जो कंपनी चलाते हैं उन कंपनी को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कंपनी की, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2% से लेकर 5% तक खर्च करना ही होता है। तो समय समय पर वो जो कंपनीज हैं वो स्कॉलरशिप की घोषणा करते हैं, उस स्कॉलरशिप की घोषणा का हम फायदा उठा सकते हैं। अभी नया प्रावधान और लागू किया है, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, 10% तरह करो, रेत के टीले की तरह नहीं, आकाश की ऊंचाइयां छुओ पर जमीन से जुड़े रहकर तना हमेशा तना रहता है, पर शाखाएं झूमती रहती हैं, धरती को झूमती रहती हैं। महाराज श्री, हमें वृक्षों से और क्या क्या सीख मिलती है और हमें उनके संरक्षण के लिए क्या क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर बात है। ओम जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की, एक बार और बोल दो, जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अब आप शांति का परिचय देंगे, देंगे ना, शुरू करूं? आप बात बिल्कुल सही है, अगर ऊंचाई को छूना है तो पेड़ की तरह करो, रेत के टीले की तरह नहीं।
पेड़ का जो विकास होता है वो गहराई सापेक्ष होता है। पेड़ जितना ऊंचा उठता है उसकी जड़ें उतनी ही गहराती है। और रेत का टीला क्या है, अगर रेगिस्तान में देखो तो हवा के प्रवाह में पूरे के पूरे टीले आते हैं और फिर वही हवा के झोंके से वो ढह भी जाते हैं, उसको धोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोरा। राजस्थान में धरती धोरारी बोलते हैं। तो ये तो आना जाना है, अल्पकालिक उपलब्धियां रेत के तीले की भांति है और जीवन की स्थायी उपलब्धि पेड़ की भांति है। आपने पूछा है वृक्षों से हमें और क्या प्रेरणा मिलती, मैं तो कहता हूं वृक्षों में बहुत कुछ है। वृक्ष हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं, ये तो एक तरफ। लेकिन वृक्ष हमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश देते हैं। वो क्या है? पहला संदेश, जीवन का स्थायी उत्कर्ष करना चाहते हो तो गहराई को छुओ, जो जमीन से जुड़ा रहता है वही आसमान छू पाता है। वस्तु भगवान महर्जन अभी पेड़ों की बात है भाई। दूसरी बात, वृक्ष नंबर दूसरे के आए या नहीं आए इस पे मुझे पूरी बात बोलने दो। दूसरी बात, वृक्ष सब प्रकार की धूप सर्दी बरसात की बाधाओं को सहता है, खुद धूप में रहकर हमें छाया प्रदान करता है, जो ये बताता है कष्टों में चाहे कितने भी रहो, तुम पर चाहे कैसा भी कष्ट हो तुम सदैव औरों के लिए अच्छा करो। ये वृक्ष का दूसरा संदेश। वृक्ष सब बातों को प्रतिकार रहित होकर के सहता है, यानी जब धूप गर्मी बरसात को सहता है तब उसमें फूल और फल आते हैं। तो वृक्ष का तीसरा संदेश यह है कि अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हो तो सहिष्णु बनो, जो कुछ भी घटे सहज भाव से सहना सीखो। और वृक्ष का एक और गहरा संदेश है, उस पर पत्थर मारने वाले को भी वह मीठे फल प्रदान करता है, जो इस बात को बताता है पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल प्रदान करता है, जो इस बात को बताता है कि अगर अपने जीवन में कुछ पाना है तो सदैव सहिष्णु बनो, प्रतिकूल व्यक्ति के लिए भी अनुकूल फल प्रदान करने की कोशिश करो। ये वृक्ष का संदेश है और वृक्ष हम सबके लिए बहुत ऊर्जा देता है। आप सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे 24 के 24 तीर्थंकरों को ने दीक्षा वृक्षों के नीचे ली और उन्हें केवल ज्ञान भी वृक्षों के नीचे ही हुआ। ये वृक्षों की जो पावर है उसको प्रकट करता है, उससे ऊर्जा हमें मिलती है, अपार ऊर्जा मिलती है, अनंत ऊर्जा मिलती है। आपने कहा वृक्षों का संरक्षण कैसे करें, ये होना ही चाहिए। आज जिस तरीके से वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है ये कतई उचित नहीं है, हमें वृक्षों के संरक्षण संवर्धन के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महत जैन। अच्छा आप आचार्य श्री, एक और वृक्ष से जुड़ी हुई बात है कि यदि हम अपनी जड़ से जुड़े हुए हैं तो वृक्ष हरा है और जड़ अगर सूख जाएगी तो वृक्ष सूख जाएगा। बहुत 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 सुंदर, आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ एक और जोड़ देता हूँ फिर। चलो वृक्ष आपने कहा जल से जुड़ा है तो हरा है। वृक्ष की एक विशेषता, हर पतझड़ में वृक्ष सूखता है, ठूंठ का रूप धर लेता है। हर पतझड़ में वृक्ष सूख जाता है, ठूंठ का रूप धर लेता है, लेकिन टूटता नहीं, फिर से हरा भरा हो जाता है। वृक्ष कहता है, वृक्ष कहता है, हाँ दे दो, वृक्ष कहता है
तुम्हारे जीवन में चाहे जैसे पतझड़ आए, हताश मत होना, बसंत फिर आएगा, क्योंकि पतझड़ के बाद ही बसंत आता है। इसलिए सूख जाना टूटना नहीं, अपनी जड़ों को हरी बनाए रखो। जिसकी जड़ें हरी है वो हमेशा हरा भरा रहेगा, और जिसकी जड़ें सूख गई वो कभी सूखी नहीं हो पाएगा। वृक्ष एक और हमें बहुत सुंदर बात बताता है। ऋतु वसंत याचक भया, हरकी किया द्रुमपात, ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। यानी ये पेड़ हमें सिखाते हैं कि जितना आप दान करोगे नए पल्लव आपके फूटेंगे, इसीलिए पतझड़ में पेड़ अपना दान कर देता है ये। और हमें पेड़ सिखाते हैं कि जितना दान करेंगे आपको और ज्यादा मिलेगा। देखिए, एक बार आप जैन साहब का करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। आप हमारे समाज की एक बड़ी विभूति हैं। खड़े हो जाएं जैन साहब, एक मिनट के लिए सपत्नी खड़े हो जाएं। जस्टिस एन के जैन साहब जो न्यायाधिपति रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, अल्पसंख्यक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के पद पर सुशोभित हैं, और इनकी धार्मिक भावना का तो हम समझ ही रहे हैं और आध्यात्मिक भाव भी इनके प्रकट हो रहे हैं। यदि हमारे समाज के प्रबुद्ध जन, अधिकारी जन इस तरह की धार्मिक वृत्ति रखेंगे तो निश्चित धर्म प्रभावना को एक नई दिशा मिलेगी। आशीर्वाद। महक जैन काला पीपल, आगे तैयार रहेंगे राजेश कौशल अशोक नगर। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि जन्म होने पर बटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है, यही जीवन की मिठास है। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है, बंदा दोनों मौके पर इसको नहीं खा पाता, जिंदगी का क्या है। बहुत अच्छी बात कही। जन्म लेने की मिठाई से शुरू होकर श्राद्ध में खिलाए जाने वाली मिठाई तक जीवन का सफर पूरा हो जाता है। दोनों में मिठास है पर बंदा दोनों में मिठाई खा नहीं पाता, इसकी क्या वजह है। मैं इसके पीछे एक आध्यात्मिक भाव देखता हूँ। हमारी संस्कृति है जो कहती है सुख को भोगो मत, सुख को बांटो। ध्यान से सुनना, सुख को बांटो, सुख को भोगो मत, और दुख को सहो, दुख को बांटो मत। समझ गए? तो हमने जन्म लिया, हमारे जन्म में उत्सव मनाया, लोग मिठाई खाए, यानी हमारा ये जीवन हमारे लिए नहीं औरों के सुख के लिए है। और हम इस दुनिया से जाए तो भी औरों को सुख दे करके जाए, ये दृष्टिकोण हमारा बने, हमारा जीवन धन्य होगा। राजेश कौशल अशोक नगर, आगे तैयार रहेंगे आयुष जैन कोटा। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरा एक सवाल पूछने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि सब में अजैन लोगों में जाता हूँ तो वो मुझसे बोलते हैं कि आपके मुनि महाराज जी स्नान नहीं करते, नहाते नहीं हैं, और आप सुबह से भगवान जी के इतने जलाभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, भगवानों को इतना कलश चढ़ाते। महाराज जी, इसका मैं कोई उत्तर नहीं दे पाता, निरुत्तर हो जाता हूँ उसमें। महाराज जी, बहुत अच्छा सवाल है और इसमें संकोच की बात नहीं, ऐसे सवाल आते रहने चाहिए। भैया तुम तीनों यहाँ है, थोड़ा हट जाओ तो इधर वाले को व्यवधान कम हो जाएगा, थोड़ा आगे आ जाओ। आपने पूछा है कि मुनि महाराज तो स्नान नहीं करते लेकिन भगवान की अभिषेक शांति धारा क्यों करते हैं। ओ, थोड़ा पीछे ले जा तो सबको ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान इधर रखें, एक साथ तीनों न करके थोड़ा फैल जाओ तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आगे पीछे फैल जाओ, हाँ एंगल चेंज कर लो, तीनों तीन जगह हो जाओ। अब तो ठीक है,
चलिए अब उपाय नहीं है, अब इन लोगों को भी टांगना पड़ेगा। चलिए मैं क्या बोल रहा था, स्नान व्रत। मुनि महाराज स्नान नहीं करते ऐसा किसने कहा? मुनि राज स्नान करते हैं, पता है? मुनि महाराज स्नान करते हैं। महाराज जी कैसी बात बोल रहे हैं, स्नान व्रत के धारी है, उनका मूल गुण है, आप कह रहे स्नान करते हैं। करते हैं। कैसे करते हैं? वे जल से स्नान नहीं करते, धूप स्नान करते हैं, वायु स्नान करते हैं, 24 घंटे स्नान करते हैं। धूप और वायु से हमारा शरीर स्नात है। किसी मुनि महाराज के पास बैठे शरीर से बदबू आई क्या? अब तुम एक दिन नहीं नहाओ तो, क्योंकि तुम जल स्नान करने के बाद अपने आप पर लाद लेते हो बहुत कुछ, इसलिए तुम्हारे लिए स्नान की जरूरत है। रहा सवाल भगवान के अभिषेक और शांति धारा का, तो अभिषेक और शांति धारा को स्नान मत मानिए। अभिषेक शांति धारा स्नान नहीं है, वो अभिषेक है। हम भगवान को नहीं नहला रहे हैं, अपने पापों को गलाने का एक अनुष्ठान कर रहे हैं, अपने पापों को धोने का अनुष्ठान कर रहे हैं। तो हमारी धार्मिक क्रिया है। और जिन प्रतिमा पर अभिषेक है, अभिषेक करना का मतलब पानी ढोलना नहीं है, अभिषेक करने का मतलब पाप धोना है, भगवान के नहीं अपने। ये तो अपनी अपनी आस्थाओं से संबद्ध बातें हैं। हम अपनी आस्था को ठीक रखे तो कभी ऐसी बात नहीं हो सकती, इसलिए इन बातों को बहुत व्यापकता से समझने की जरूरत है। आयुष जैन कोटा, श्वेता राजेश जैन भोपाल दृष्टि गुणायतन, श्वेता राजेश जैन भोपाल दृष्टि गुणायतन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक मन में विचार आता है कई बार कि ऐसे संकल्पी हिंसा का मेरा व्रत है, और जब कोई मृत व्यक्ति होता है तो कई बार जाना पड़ता है, तो उस शरीर के अंदर तो बहुत जीव है, तो मुझे क्या उनको करना चाहिए, वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो हर जगह ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, समझ गए? ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आप व्यवहारिक बन जाओगे। आज तुम किसी के में नहीं जाओगे तो तुम्हें कौन पहुंचाएगा? मैं तो को मतलब जरूरत बात समझो, ये सब लोकाचार है और ये संकल्पी हिंसा नहीं है, आरंभी हिंसा। हाँ, इसमें विवेक रखना चाहिए, और ऐसी स्थितियों में व्यक्ति का अंतिम संस्कार यथाशीघ्र कर देना चाहिए, कम से कम समय हो, समझ गए? नहीं तो ये व्यवहार खो देने में बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती। नमोस्तु। सुनीता संदेश जैन सागर सूत्रधार गुणायतन, मंजू राकेश पाटनी अजमेर, हाँ जिनके भी नाम है थोड़ा सा सीखता से खड़े हो जाएं, वहीं पर कॉर्नर पर आगे तैयार रहेंगे। सुनीता संदेश जैन सागर सूत्रधार गुणायतन, बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ। सबको ना बुलाएं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मेरी शंका नहीं है, मैं भावना योग के बारे में बोलना चाह रही हूँ। गुरुदेव मैं और मेरे पति 1.5 साल से भावना योग कर रहे हैं, जैसे सुबह की चाय के बिना इंसान की सुबह नहीं होती ना, वैसे बिना भावना योग के बिना हमारे में फुर्ती नहीं आती है। गुरुदेव भावना योग की वजह से जैसे हमारे मनोबल बढ़ गया, और इन मेरे पति का गुस्सा बहुत शांत हो गया, और मेरा कमर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुदेव मेरे बच्चे भी ऐसे बोलते हैं कि आप भावना योग की वजह से ही अभी तक कोरोना से बचे हुए हो, जैसे उससे हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़ गई है, और ऊर्जा प्रवाह के टाइम तो लगता है रोज जैसे हमारे शरीर में कोई नई ऊर्जा प्रवाह हो रही है। तो गुरुदेव भावना योग से मतलब हमको बहुत अच्छा लाभ मिला है, और दिन प्रतिदिन हम रोज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, ऐसा न केवल आपके साथ, आप जैसे अनेक लोगों के जीवन में भावना योग का चमत्कार घटा है।
बस अपेक्षा केवल इतनी है कि आप इसे समझें और अपनाएं। एक आध दिन आधे अधूरे मन से करने से कुछ नहीं होगा। लगातार जो लोग कर रहे हैं उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ रहे हैं, और ये आपको करना चाहिए। ये एक वैज्ञानिक साधना है, आप जब करेंगे तभी इसका वास्तविक लाभ घटेगा। गुरुदेव, अगर एक दिन भी हम नहीं करते हैं उस दिन लगता है कि आज कोई काम में से अधूरा रह गया। बहुत हाँ, बॉडी में स्फूर्ति भी नहीं आती है उस दिन। बहुत बढ़िया। हाँ, सुनीता महेश जैन सागर, सूत्रधार गुणायतन, आगे तैयार रहेंगे श्रेय चौधरी, संजय कुमार चौधरी, ललितपुर। श्रेय चौधरी, संजय कुमार चौधरी, ललितपुर अनुपस्थित। अगला बोलो। वीणा झांझरी, कोडरमा। वीणा झांझरी, कोडरमा, तैयार हूं। क्या नाम? देव। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी शंका ये है, हमने सुना है कि मनुष्य अपनी गलती दूसरों की गलती निकालने में सबसे अच्छा वकील होता है। दूसरों की गलती निकालने में सबसे अच्छा वकील होता है और खुद की गलती में जज बन जाता है। हाँ, और इस परिस्थिति में हम अपनी गलती सुधारने सबसे अच्छी शिक्षक कैसे बने और अपनी अच्छाई निखारने पे सबसे अच्छी ज्वाइन कैसे बने? अपनी गलती को सुधारने में सबसे अच्छे शिक्षक कैसे बने और अपनी अच्छाइयों को निखारने में अच्छे जोहरी कैसे? जी, ये है, इसी संदर्भ में हम हमेशा चाहते हैं दूसरे हमसे प्रभावित हों, दूसरे हमसे प्रभावित हों, पर खुद को खुद से प्रभावित कैसे करें? बहुत अच्छा सवाल। खुद को खुद से प्रभावित कैसे करें? आपके दो सवाल हैं और दोनों सवाल के संदर्भ में मैं यही कहूँगा, हम अपनी गलती को सुधारने के लिए अच्छे शिक्षक कैसे बने, उसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश करें। हमारे साथ सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमें हमारी गलती गलती ही नहीं दिखती। जिस दिन मनुष्य को उसकी गलती गलती दिखने लगेगी तभी वो उसे सुधार पाएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी खामियों को देखें और उन्हें खत्म करने के लिए संकल्पित हो, और अपनी अच्छाइयों को देखें पर उसे पूर्ण न माने, उसकी अंतिम संभावना तक सचेष्ट बने रहें तो हम उसे निखार सकते हैं। दूसरा सवाल, खुद को खुद से प्रभावित कैसे करें? जो प्रभावित करने की स्थिति में रहता है वो भटकता है, और जो अपने में भावित होता है सब उससे प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा, किसी को प्रभावित मत करो, खुद में भावित हो जाओ, प्रभावित होने की बात ही नहीं रही। नमस्ते महर्षि। वीणा झांझरी, कोडरमा, आगे तैयार रहेंगे। ओम। नमोस्तु गुरुदेव। अशोक काला, जेके मसाला, कोलकाता। गुरुवर, हम जैनियों का कुलाचार है देव दर्शन, पानी छानकर पीना और रात्रि भोजन त्याग। लेकिन जब आज की स्थिति में हमारे बच्चे इस ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें बहुत मन में ऐसा लगता है कि नहीं, हम उनको एक बार रोकते हैं कि इस स्थिति में जो आज का परिवेश है उसके आगे के जीवन में बाधा आएगी, वैवाहिक जीवन में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है उसके प्रति कृपया मार्गदर्शन दें। ये बड़ी विडम्बना है। जो हमारा आदर्श होना चाहिए आज वही हमारे लिए एक बड़ी समस्या बनते जा रही है। हमें आदर्श को आदर्श की भांति देखना चाहिए, उसे किसी तरीके से समस्या बनने नहीं देनी चाहिए। ये कुलाचार की होती हुई घोर उपेक्षा का कुपरिणाम है। जिन चीज़ों को करने में पहले शर्म महसूस किया जाता था, विडम्बना ऐसी हो गई कि आज लोग उसी में शान महसूस करते हैं और बड़े शान से करते हैं। आज कोई रात्रि भोजन का त्यागी हो, चाहे लड़की हो या लड़का, उसको संबंध करने के लिए बड़ी कठिनाई होती है। अगर दारू पीने वाले से संबंध करने में कोई दिक्कत नहीं, कैसी विडम्बना है। जिसे हमें सबसे मेरिट पे रखना चाहिए उसे हमने निचले पायदान पर रख दिया, और एक शब्द आजकल चलन में आ गया, ऑर्थोडॉक्स। मैं क्या बोलूं,
एक लड़की के संबंध के लिए लड़के वाले से बात हुई, लड़के की मां ने लड़की की मां से फोन करके कहा, लड़की चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, लड़का भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, लड़के की मां ने लड़की की मां से कहा आपकी बेटी बहुत अच्छी है, उसमें सब अच्छाई है, पर उसको थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए, उसे थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। लड़की की मां ने पूछा मॉडर्न से क्या मतलब? बोले बस हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में ओकेजनली लीकर आता है, अल्कोहल आता है, उसको भी लेना चाहिए। लड़की की माँ सुनी तो सन्न रह गई। जो लड़की कभी रात में भोजन करना पसंद नहीं की, उस लड़की के लिए ये कहा जा रहा है कि उसको कभी ये भी लेना चाहिए, ये कैसी विडंबना। ये आज बहुत हो रहा है और समाज के संभ्रांत परिवारों में हो रहा है, और इसमें चाहे लड़का हो या लड़की कोई नहीं बच पा रहे हैं। ये आने वाले दिनों के लिए एक बहुत ही बुरा संकेत है। आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? आज के जो युवा हैं, जो आज जो बाहर पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों में हैं, युवक हो या युवती, ज्यादातर व्यसनों के शिकार होते जा रहे हैं। कुलाचार दूर हो रहा है, दुराचार हावी हो रहा है, और जहां दुराचार हावी होगा वहां जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवनोत्कर्ष के लिए हमें चाहिए कि हम इस पर विराम लें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें, ऐसा पुरुषार्थ करें, उद्यम करें। लोगों को दृढ़ता रखनी चाहिए, उसमें शिथिलता नहीं, एक माहौल बनाना चाहिए। और ये भी मुझे, तब मेरे पास एक सज्जन आए अमेरिका से, वो अमेरिका से 25 वर्ष बाद भारत आए। यहाँ आकर के उन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया, एक बड़े वहाँ के उद्यमी थे, उन्होंने कहा महाराज श्री यहाँ आके तो हमें बड़ा अटपटा लग रहा है। बोले क्या? बोले मैं भारत आया था तो ये सोच करके आया था कि भारत के लोग जितने हमारे साधर्मी भाई होंगे बड़े सदाचारी होंगे, भगवान का अभिषेक बंदन करते होंगे, पूजन करते होंगे, रात्रि भोजन जमीखंड आदि नहीं खाते होंगे, आप जैसे गुरुओं का जिन्हें साक्षात समागम मिलता है उनकी तो चर्या पूरी तरह जैन होगी। लेकिन मैं तो यहाँ देख रहा हूँ सब रात में खा रहे हैं, जमीखंड खा रहे हैं, और कुछ गड़बड़ भी हो रहा है, और मंदिर वगैरह भी कर लिया तो कर लिया, इनकी हालत तो हमसे भी खराब है, हम अमेरिका में रह करके इनसे बचे हुए हैं, और ये लोग नित्य आप जैसे संतों के सानिध्य में रह करके भी कहाँ हैं। ताली बजाने की बात नहीं है, शर्म से डूब मरने की बात है। कहाँ ताली बजा रहे हो? ये क्या सवाल है? सोचने जैसी बात है। लोग इसमें गर्व महसूस करते हैं, ये कतई उचित नहीं है। हमें इस तरह की क्रियाओं पर यथाशीघ्र विराम लगाना चाहिए, और हमें अगर जैन धर्म को आगे ले जाना है तो आचार शुद्धि पर दृढ़ता से हमें बात करनी चाहिए। जब तक हम आचार शुद्धि का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए आचार शुद्धि की बात। हाँ, नमस्ते। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, अपने हम लोग जो सुबह में शांति धारा और अभिषेक करते हैं उसमें ऋषि मंडल यंत्र और कई यंत्र हम लोग विराजमान करते हैं, तो इसमें तीन क्वेश्चन है। एक तो यंत्रों को कहाँ विराजमान करना चाहिए, और यंत्रों पर अभिषेक करना चाहिए कि नहीं, और अगर करते हैं तो उनकी जो लास्ट में मंत्र बोलते हैं उसका पूरा उच्चारण करना चाहिए कि नहीं, इसका थोड़ा सा शंका समाधान करें। देखिए, यंत्रों का हमारे शास्त्रों में विधान है, कुछ यंत्र हमें रखना चाहिए, प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी कुछ यंत्रों का विधान, पर वे ही यंत्र रखना चाहिए जो हमारे पंच परमेष्टि से जुड़े हुए हैं। जिनमें पंच परमेष्टि से बाहर की चीजें हैं वो यंत्र हमें भगवान के साथ नहीं रखना। लेकिन कुछ लोग चूक करते हैं, मंत्र यंत्र वेदी में रख सकते हैं, यंत्र को अपृथक सिंहासन में रख सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों ने भगवान का टेका बना दिया यंत्र को, भगवान के पीछे यंत्र टिका के रख दे, ये कतई उचित नहीं। यंत्र अलग से रखें, क्योंकि यंत्रों की शक्ति से चीजें आगे बढ़ती हैं और इसका विधान है, तो यंत्रों को टेका न रखें। आजकल तो बहुत अच्छे यंत्र के आसन आने लगे, स्टैंड आने लगे, उसमें रख दीजिए, अथवा वैसी व्यवस्था वेदी में नहीं है तो एक ही सिंहासन में सारे यंत्र रख दीजिए,
वो भी नहीं है संभव तो वेदी के फलक पर लिटा के रख दीजिए, पर न तो प्रतिमा जी ढके और न ही यंत्र को प्रतिमा जी की पीठ पर रखे, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अभिषेक करते समय यंत्र रखने की व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी गलती करते हैं लोग, यंत्र को भगवान से टिका के रख देते, यानी भगवान को यंत्र का टीका बना दिया, नहीं भगवान से पृथक यंत्र को लेटा दें और लेटा करके कर दें। हमारे शास्त्रों में विनायक यंत्र की पूजा और अभिषेक का विधान है, तो विनायक यंत्र की पूजा अभिषेक का मंत्र आप पढ़ें और यंत्र की बात पूरी कर दें, ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। अन्यथा और अभिषेक हम जो कर रहे हैं उस अभिषेक में ही यंत्र का अभिषेक हो जाता है, ये ध्यान रखना। पंच परमेष्टि से संबद्ध जो हमारे शास्त्रीय यंत्र हैं उन्हें वेदी में रखने में कोई निषेध नहीं है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य प्रश्न था, ये छोटा सा अब हो गया, परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। और ये परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। देखिए आप लोग अभी बैठेंगे, अभी मूल सत्र बाकी है, आज आचार्य भक्ति बाद में होगी, 3 मिनट का गैप है, बाकी लोग बैठ